हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करते हुए इस रीडिंग को देखें और वीडियो को लाइक कर दें। वीवर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी है, इसे फीमेल और मेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है द हेरोफेंट। सेकंड कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड आया है द एम्परर। फोर्थ कार्ड है द स्टार। फिफ्थ है फोर ऑफ वेंट्स। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की फैमिलीज़ में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, या तो कास्ट अलग है या फिर आप दोनों की फैमिली एक दूसरे से अलग हैं। आप दोनों ही अपोजिट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। आपकी जो पार्टनर है उनकी फैमिली में कोई एक पर्सन है जो डोमिनेटिंग है, उनके फादर हो सकते हैं, उनकी मदर हो सकती हैं, या कोई और अदर पर्सन हो सकता है जो चाहता है कि आपके पर्सन उनकी विश पूरी करें। उनके कुछ सपने हैं आपके पर्सन को लेकर जो वो चाहते हैं कि वो पूरा करें। आपके पर्सन आपको चाहते हैं, ये बात उन्होंने अपनी फैमिली में मुझे लगता है कि बताई है, और उनकी फैमिली नहीं चाहती कि वो आपसे कोई भी रिलेशन रखें। वो चाहते हैं कि वो अपने करियर पर फोकस करें। उनकी फैमिली चाहती है कि आपके पर्सन का जब करियर बन जाएगा तो वो अपनी पसंद से उनका लाइफ पार्टनर चुनेंगे, उनका लाइफ पार्टनर उनकी पसंद का हो। वो नहीं चाहते कि आपके पार्टनर लव मैरिज करें या फिर प्यार मोहब्बत में पड़ें। मुझे ऐसा भी लगता है कि उनके आसपास जो लोग हैं वो प्यार से ज़्यादा मनी को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक बार करियर बन जाने के बाद उनके लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी, एक से एक अच्छे घर से उनके लिए रिश्ता आएगा और उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, खूबसूरत लाइफ पार्टनर मिलेगा। इसीलिए वो आपके पार्टनर को आपसे दूर रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। वो ये कोशिश में लगे रहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे ना मिले, आपसे कोई ताल्लुक ना रखें, आपसे दूरी बनाकर रखें और सिर्फ उनकी माने। यही वो वजह है कि आपके पार्टनर आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। जब कभी उनको आपकी याद आती है तो वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, बट आपसे वो इतना प्यार भी नहीं करते हैं कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपका हाथ थाम लें। यही वो वजह है कि आप जितने भी एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में लगाते हैं वो एफर्ट्स आपके बेकार जाते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर समझकर भी ना समझ बने हुए हैं। वो आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और आपको यही जताते हैं कि आप उनसे प्यार नहीं करते। आप में बहुत सारी कमियाँ निकालते हैं, बहुत सारे नुक्स निकालते हैं और आपकी लाइफ से दूर चले जाते हैं। और जब उनको आपकी याद आती है, सेल्फिश बन जाते हैं और आ जाते हैं आपका दिल दुखाने, आपका दिल तोड़ने के लिए, एक बार फिर से छोड़ जाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी खुद को ब्लेम करने लग गए हैं, अपने अंदर कमियां निकालने लग गए हैं। कोई कमी ना होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आप में ही वो सारी कमियां हैं। तो व्यूअर्स, कमियां तो सब में होती हैं, आपके पार्टनर में भी बहुत सारी कमियां होंगी। तो क्या आपने उनको छोड़ दिया? क्या आपने उनसे ताल्लुक़ तोड़ लिए? क्या आप उनको नहीं चाहते? क्या आप उनसे प्यार नहीं करते? अगर आपके पार्टनर आप में कमियां निकालते हैं तो ये उनका खुद का फॉल्ट है। वो अपनी कमियों को नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ दूसरों में कमियाँ निकाल रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपको ऐसे पर्सन से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। एक बार और फिर से विचार करना चाहिए, क्या आपने राइट पर्सन से प्यार किया है? क्या वो आपके लिए राइट चॉइस है? और इसके साथ साथ सेल्फ लव करें, मेडिटेशन करें, जो भी हो संभव प्रयास करें खुद को निखारने का, और ऐसे लोगों से दूर रहें जो नेगेटिव हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं और नेगेटिव बातें करते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहें और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी लाइफ में एक राइट पर्सन आएगा, आपको बहुत सारी खुशियां देगा, कमिटमेंट देगा, आपने जो ख्वाब देखे थे उन सपनों को पूरा करेगा आपके। बस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, कुछ तो गाइडेंस आपको इस रीडिंग से मिली होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।